हैं वो? देखिए जैसे दिल्ली रास्ता काट देती है ना, उसीलिए बिहार में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और वो आ रहे हैं हम लोग का बाधा बनने के लिए, रास्ता काटने के लिए, तो ये नामुमकिन है देश की जनता। आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, आप लोगों के लिए मुश्किल है। कोई मुश्किल चुनौती सीमांचल के दूसरी बार आ रहे हैं। देव का भक्त होगा उसके नामुमकिन नहीं है। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता और सब चीज देख लिया, पूरे खासकर देश की जनता रहे हैं। और तेज प्रताप यादव ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री बिल्ली की तरह रास्ता काटने आ रहे हैं। बिहार दौरे पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पे हैं। बिहार के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित किए हैं। झंझारपुर वह जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, जिसको लेकर जब सवाल पूछा गया लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव से कि केंद्रीय मंत्री बिहार दौरे पे हैं, उनके आने से कितना मुश्किल होगा, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि जो महादेव का भक्त है उसे क्या असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में दंगा फसाद कराने आ रहे हैं, महागठबंधन की सरकार की कामों में बाधा पहुँचाने आ रहे हैं। देखिए तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। अमित शाह बिहार दौरे पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? अमित शाह आते हैं बिहार में दंगा फसाद कराने, लगा सियासत बदलेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके आने के बाद से कई तीरें बदलती है, लगातार मिथिलांचल हो चाहे किशनगंज हो बाकी दौरों पर लगातार रहते हैं वो। देखिए जैसे दिल्ली रास्ता काट देती है ना, उसीलिए बिहार में जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और वो आ रहे हैं हम लोग का बाधा बनने के लिए, रास्ता काटने के लिए, तो ये नामुमकिन नहीं है। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, तो बिहार की जनता और सब चीज़ देख लिया, पूरे खासकर देश की जनता। तो अभी आपने देखा बिहार सरकार के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के झंझारपुर दौरे को लेकर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो महादेव का भक्त है उसे उन्हें आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके आने जाने से वोट बैंक में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में दंगा फसाद कराने के लिए आए हैं। साथ ही ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में महागठबंधन की सरकार की कामों में बाधा पहुंचाने आ रहे हैं। और तेज प्रताप यादव ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री बिल्ली की तरह रास्ता काटने आ रहे हैं। देखिए किस तरह से केंद्रीय मंत्री को लेकर बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कह दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल्ली की तरह रास्ता काटने आ रहे हैं। तो बस इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।